आपको आज एयर प्रेशर ब्रेक सिस्टम के बारे में समझाएंगे। सबसे पहले एयर कंप्रेसर से स्टार्ट करेंगे। यह है इस गाड़ी का एयर कंप्रेसर। उसके बाद जाएंगे हम ड्यूल वाल्व के पास। ड्यूल वाल्व में दो जो है पाइपें लगी हुई है, ये मीटर की पाइपें लगी हुई है जो प्रेशर को मीटर पे शो करेगी। उसके बाद इसमें चार कनेक्शन दिए हुए हैं, जो ये है हैंड ब्रेक का है, ये आगे वाली ब्रेकों का है और ये पीछे वाली ब्रेकों का, दोनों टायरों की। उसके बाद हम चलेंगे इसके DDU यूनिट में, ड्राइंग डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट में। यहाँ से जो प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा और जो इसकी जो नमी है वो ये सोख लेगा और उसके बाद हमारा प्रेशर जाएगा एयर टैंक में। एयर टैंक में जाने के बाद ये प्रेशर जाएगा हमारा ब्रेक एक्चुएटर में, जो यहाँ पर ब्रेक एक्चुएटर लगे होते हैं। सभी टायरों, चारों टायरों में एक बराबर प्रेशर जाएगा और ब्रेक शू के द्वारा, एयर के द्वारा ब्रेक लगेगी।